सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद, और जो फिल्म हमारी लॉन्च हो रही है बेलगाम के लिए, मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार तालियां बजा के अपनी जो क्या कहते हैं अपनी जो शुभेच्छा है उसे दें। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक स्टाइलिश फिल्म हम लोगों के बीच में बनने जा रही है। विदयन जी की मैंने काम देखा हुआ है, उन्होंने जो गुल मकई ने जो काम किया है, फिल्म थोड़ी स्टाइलिश है, तो मैं यही चाहूँगा कि भोजपुरी में हम लोग एक स्टाइलिश फिल्म बनाएं। और इसका सब्जेक्ट मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है, और एक लीग से हट के फिल्म सोची गई है, और ऐसी फिल्मों का बनना भी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिल्म में अभिषेक मेन लीड कर रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ, और जो गंदे काम करने का जो क्या बोलते हैं हमेशा से ठीकरा मिलता है, वो हमारे प्रभु जी हैं यहाँ पे, अवधेश जी हैं, देव सिंह हैं यहाँ पे, और संजय जी अभी तक आए नहीं हैं, तो संजय जी हैं इस फिल्म में। तो एक पावर पैक्ड पूरा स्टार कास्ट है फिल्म में, और हम लोग चाहेंगे कि एक वैसी ही पावर पैक्ड स्टाइलिश फिल्म बन के आप लोगों के सामने आए। मिश्रा जी, आप बहुत दिनों बाद पुनः अपने पुराने रूप में आ रहे हैं। मेरा पुराना रूप तो एक ही है, पूरा खलचरित्र, इसमें भी खलचरित्र है। अच्छा, इसलिए लड़की मेरे बाजू एक सीट छोड़ दो थी। और दो हीरो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गाने में तो आप ही के पास हूँ। प्यार है, प्यार है, दूरी से ही प्यार बढ़ता है, नज़दीकी से नहीं बढ़ता। तो बहुत मैंने बता दूं कि ये फिल्म शायद इनकी वजह से कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब ने ऐसी कुछ बातें रखी थी, इतने मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कम ऐसे सेंसेबल डायरेक्टर होते हैं, इनकी बातें प्रभावशाली होगी, कोई भी एक्टर मजबूर हो जाए कि मुझे करना ही है। और यहाँ एक अभिनेता के रूप में मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्मों से जुड़ना निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है, जहाँ हमारे कर्म को देखा जाता है, बाकी चीज़ें नज़रअंदाज की। एक चीज़ में आपको रोकते हुए कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कैरेक्टर्स करते हैं फिल्मों में, उससे बिल्कुल विपरीत इनका कैरेक्टर है रियल लाइफ में। इनके जैसा सज्जन, इनके जैसा अच्छा व्यक्ति आप लोगों को बहुत कम इस आपके आजू बाजू में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए लोगों को मैं बस बता दूं, क्या है कि भोजपुरी में ज़्यादातर लोग खुद की तारीफ़ करते हैं, दूसरों की तारीफ़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। क्या करेंगे, अब वो तारीफ पा लेते हैं जैसे मेरे भाई के बगल। मुझे इस फिल्म के बारे में आदित्य जी ने बहुत पहले बोला था कि एक फिल्म है प्रभु, हम लोग चाहते हैं साथ में करें, तो वो एक्साइटमेंट था। लेकिन मैं उस दिन मिल करके डायरेक्टर साहब से, अभिषेक जी आए थे हमारे पास, तो लगा कि एक ऐसा सेंसेबल फिल्म वाकई है, जो सब्जेक्ट के लेवल पर जब इतना सेंसेबल है, जो बोलने वाले इस तरह से बयां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काम करवाएंगे वो हमसे बढ़िया। और इस काम अच्छे काम करने की उम्मीद में इस फिल्म से जुड़ा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरे से डायरेक्टर साहब अच्छा काम करवा लेंगे। कैरेक्टर्स भी जितने हैं इसमें परफॉर्मर्स हैं, आदित्य जी हों, अभिषेक जी हों, संजय जी हों, देव पांडे जी हों, मैं भी हूँ, तो जो है इसमें परफॉर्मर्स हैं, और परफॉर्मर्स को लेकर के बहुत कम फिल्में बनती हैं, एक्टरों को लेकर बन जाती है फिल्में, लेकिन मेरे ख्याल से एक्टर और परफॉर्मर में थोड़ा तो अंतर है। ये फिल्म पूरी तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, मेकिंग इसकी स्ट्रॉन्ग होगी इतना भरोसा है। प्रोड्यूसर साहब से मैं आज पहली बार मिला हूँ, इनके बारे में सुना था हमारे अभिषेक जी और डायरेक्टर साहब की जुबान से। उम्मीद है एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं आगे, तो गॉड इज ग्रेट। नहीं नहीं, इसमें मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, और किसके साथ? संजय पांडे जी के साथ जी। अच्छी दोस्त है आपकी? तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आप बताएंगे नहीं? बताना क्या, आप लोगों ने देखा ही है, मैंने काफ़ी गाने किए अवधेश जी के साथ, संजय जी के साथ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और हालांकि अभी रिसेंटली सब लोगों ने मुझे इतनी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि ये अनकंफर्टेबल हो जाते। नहीं, सबसे पहली बात तो अभी सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, डांस के अलावा अवधेश जी ने, आदित्य जी ने, मेरा अभी एक्टिंग जो फिल्म आया था उसके लिए भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और
स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं अवधेश जी के साथ इतने गाने कर चुकी हूँ कि अभी वाकई ऐसा लगता है फैमिली है, जब भी उनको देखते हो हाँ फैमिली मतलब। अच्छा भाई की फीलिंग नहीं आती है। एक क्वेश्चन आ गया गोदी में आओ तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि फैमिली है, फैमिली मतलब कौन सा रिश्ता है? परिवार में बहुत रिश्ते होते हैं। जीजा साली का, जीजा साली वाला, साली होती आधी घर वाली। काश आप मतलब सिंगल होते तो मैं डेफिनेटली प्रपोज मार देती। सालियों को पूर्ण अधिकार दे के रखते हैं, पूरा अधिकार है। चीटी भी आ रही है बीच में। आप बोलिए, आप बोलिए। तो आइटम सॉन्ग है इसमें मेरा। देखिए अब इतने हैंडसम जो हीरोज हैं, मैं इसका जवाब दूं। हाँ, क्या होगा ना कि ये बाहर से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मुझे लगता है ना एकदम अंदर से ना वैसे होंगे जो वो स्क्रीन पे प्ले कर रहे थे। क्या है ना कि देखिए इंसान कुछ बोल जाता है लेकिन बहुत सोच समझ के अपनी बातों को करते हैं। एक बार इनका झगड़ा हो गया इनकी वाइफ से, तो ये बोले कि अब मुझे गुस्सा आया तो मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। तो इनकी वाइफ ने बोला कि कोई बात नहीं, वो कॉकरोचों से डरती नहीं। नहीं लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। लड़की के मसले में बड़े ईमानदार हैं। जो भी लड़कियां होती हैं सबके साथ ईमानदार हैं। हमारी इंडस्ट्री में सारी हीरोइनें बड़ी अच्छी दोस्त हैं, दोस्ती बन के रहना चाहते हैं। हम थोड़ा रोमांटिक पेश खुद को इसलिए करते हैं कि हैंडसम रोमांटिक हीरोज के बीच में रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा हम लोगों लोग दरकिनार कर देते हैं कि अब थोड़ी बुजुर्गियत वाले कैरेक्टर में आ गए। लेकिन अभी तक ये इनको दरकिनार कभी होते हुए मैंने देखा नहीं। जब से बाप बनना शुरू कर दिया उन्होंने मेहंदी के बाद, तो लोगों की सोच मेरे प्रति वैसी हो गई है। कोई लड़कियां ससुर जी बोल देती हैं, कोई पापा बोल देती हैं, तो लगता है कि कुछ तो है गड़बड़। जब ये लोग ये सब बोलते होंगे, कोई अंकल बोलता है, ससुर जी बोलता, तो अंदर से कुछ फीलिंग नहीं, बुरा नहीं लगता है? नहीं, वो कैरेक्टर को वो संबोधित करती है कि फिल्म में आप दिल पे नहीं लेते हैं उसे? भाई दिल पे लेता ही नहीं हूं मैं। नहीं, इससे पता चलता है ना मेथड एक्टिंग आ रहा है भोजपुरी में। जैसे क्या है, अगर आपकी बेटी प्ले कर रही है तो वो उसी चीज को जी रही होगी, जी रही होती है। वो हीरोइनों को आज भी मिलती है तो कोई ससुर जी बोलती है। हमारी चंद फिल्म खत्म होने के बाद भी बाद लाइफ में भी ससुर जी बोलती है। मैं तो नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। हाँ वो तो है, मैं तो इनको जानू बोलती हूँ, वो भी सीरियसली नहीं लेते। अब अच्छा आप चाहते हो आप इनको जानू बोलो? मैं तो जान, हाँ, क्योंकि पापा नहीं लेते, ससुर जी नहीं लेते, मौसा जी नहीं लेते, कम से कम जानू तो सीरियसली ले, वो भी सीरियसली नहीं लेते। इनकी प्रेम कहानी बहुत लंबी चलेगी, हम लोग फिल्म पे आ जाते हैं। आप दूसरे पूछ लेते हैं सर, बहुत पहले से काम कर रहे थे और हमें ये फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स किया था आदित्य भैया ने जी, क्योंकि हम लोग जब आदित्य भैया से ऐसे बात कर रहे थे, ये टॉपिक पे बात किया हमने, तो आदित्य भैया ने बोला कि इसको एक अच्छा स्टोरी का रूप देके हम लोग इस पर काम करते हैं। और उस समय ही हम लोगों ने सोच लिया था कि किसको किसको लेना है। उस समय मतलब निगेटिव के लिए हमने अवधेश जी, अवधेश भैया को सोच लिया था कि इनको ये जो मेन निगेटिव है अवधेश भैया से कराएंगे हम लोग, और हर चीज़ हमने सोच के प्रॉपर प्लान के साथ किया था। बिल्कुल, चाय इतनी अच्छी थी। चाय में ऐसा क्या था जिसने आपको इतना ड्राइव किया कि भाई आपको भी फिल्म करनी चाहिए? या ये एक जो हम लोग एक चीज क्या होता है ना, मैंने ये चीज देखी है कि हिंदी में जनरली क्या होता है कि भले ही चलना नहीं चलना वो अपनी जगह है, बट अलग अलग चीज़ें ट्राई करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप भोजपुरी की 50 फिल्मों के ट्रेलर्स उठा के देख लोगे, फिल्में देखने के लिए नहीं कहूँगा मैं, तो ट्रेलर्स थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में सब लोग, मैं ये बोलूँगा सारे मेकर्स जो हैं, अलग अलग फिल्में, अलग अलग लीग की फिल्में, जैसे ज़रूरी नहीं कि अब सिर्फ आपके लिए एक ही जॉनर की फिल्में बनती हैं, अलग अलग फिल्में बनने का दौर आ गया है। तो उसी बदलाव के लिए ऐसी अलग अलग लीग की फिल्में बनना बहुत ज़रूरी था। मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुनी थी तो मेरे अपोजिट इस फिल्म में हीरोइन नहीं है, ठीक है, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में ज़्यादा हीरोइन का काम भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का जो ट्रैक जा रहा है ना उसके ऊपर वो उस चीज़ को, वो चीज़ अपने आप में इतनी एंटरटेनिंग है कि आपको ग्लैमर चीज़, ग्लैमर जो है उसको ज़बरदस्ती इनपुट करने की इस फिल्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरह की ये फिल्म है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या कहते हैं, स्क्रीन प्ले इस फिल्म का ऐसा होगा जो पब्लिक को एकदम बांध के रखेगा कि क्या होगा इस फिल्म में आगे, ये लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
और इसमें कोई भी अभिनेता करना चाहेगा इसका पार्ट होना अपने आप को प्राउड फील करेगा। बहुत कंटेंट बहुत प्यारा है और बहुत दिनों से ये लोग लिख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बिल्कुल, और शायद सब लोग उसी समझ के साथ जुड़े हैं इसमें, बिल्कुल, और नतीजा अच्छा ही होगा आदित्य भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जान लीजिए कि हमारे दर्शक इतने चतुर और शातिर हो गए हैं कि उनको बुरी चीजें बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद नजरअंदाज कर देते हैं। और अभी जरूरी है कि हीरो जो चंद टैगलाइन हीरो जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, लेकिन इतने ही आवश्यकता उनकी कंटेंट लेवल पे, अगर कंटेंट बुरा दे दो तो वो नकार देते हैं, अगर कंटेंट अच्छा हो तो हीरो कोई भी हो, बिल्कुल, कलाकार जो भी हो, शिद्दत से हाँ डीपली घुस जाता है पब्लिक और वो बहुत ज्यादा समीक्षा भी करते हैं कि ये अच्छा किया वो बुरा किया, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता, अच्छा वक्त आ रहा है भोजपुरी का, एक अच्छा वक्त मुझे तो दिख रहा है कि सबसे स्वर्णिम दिन आने वाला है, आने वाले साल डेढ़ साल दो साल के अंदर तो भोजपुरी शायद बहुत परिपक्व इंडस्ट्री जो दर्शक के नजरिए से नहीं थी, तो संघर्ष मल्टीप्लेक्स में लगी है, 35-36 मल्टीप्लेक्सेस में लगी है, और मल्टीप्लेक्स में अगर 40% पीपल जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है भोजपुरी के लिए। जाते हैं सिनेमा हॉल में कमी थी, सिनेमा हॉल भी अभी डेवलप हो रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्मों का अच्छा भविष्य है। नहीं, फिल्मों का मल्टीप्लेक्स में रिलीज होना इतने बड़े लेवल पे, ये शुभ संकेत नजर आते हैं इंडस्ट्री के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या ट्रेंड होगा, एक फिल्म आज रिलीज हुई कल दूसरी परसों तीसरी, ये पूरा श्रेय जाता है निर्माता को, निर्माता जो अगर संघर्ष इस लेवल पर रिलीज हुई है तो उसका निर्माता बहुत शिद्दत से अपनी चीज़ को, केवल बना देना ही निर्माता का काम नहीं होता है कि हमने एक बच्चा पैदा कर दिया उसका भविष्य कैसा हो, मतलब एक सिनेमा एक बच्चा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, उसे डायरेक्टर का ग्रहण हुआ, हम लोग तो केवल उसके पार्ट है, तो एक निर्माता के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चे को कैसे परवरिश दे, उसको कहाँ तक अच्छा। सवाल ये भी है कि एक ही दिन हुआ है अब तक किस तरह की प्रतिक्रिया आपको आ रही है आपके दोस्तों से जिन लोगों ने फिल्म देखी, काजल राघवानी की माता जी कल सामने आई थी, उन्होंने कहा ये फिल्म देख के रो पड़ी थी, इस तरह की और भी रिएक्शन आपको मिल रहे होंगे आपके दोस्तों? रोना हंसना केवल मापदंड नहीं है, फिल्म कहती क्या है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, हम केवल इंटरटेनमेंट ही तो नहीं परोस रहे हैं, कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं, माध्यम इंटरटेनमेंट है लेकिन इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम कोई मैसेज वल्गैरिटी तो नहीं दे रहे हैं, कुछ गंदगी तो नहीं पेश कर रहे हैं, जो पहले बीच में एक थोड़ा सा ट्रेडिशन बना था इसमें कोई शक नहीं है, भोजपुरी पर अगर दाग लगता है कि वल्गैरिटी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं तो गलत नहीं, लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी बहुत सेंसिबल सब्जेक्ट में किसी अच्छे टॉपिक पे लेकर गए, संघर्ष में बड़ा अच्छा टॉपिक है, जो आम जीवन में हर 10 फैमिली में 4 फैमिली की ये सोच होती है कि बेटियां बोझ होती हैं, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के बनाया गया है, तो चीज़ें जब लोगों को लगता है कि हमें जो कमी है वो हमें इस माध्यम से मेरे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है कि ये गलत है, ये सही अगर होता, अगर हम शायद वक्त पर सही डिसीजन लिए होते, तो अच्छा है अभी कंटेंट को लेकर के फिल्में बन रही हैं, हीरोज भी बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, फिल्म में तकरीबन थिएटर से उठ चुकी थी, लेकिन बॉर्डर ने जो शुरुआत की उसकी, मतलब बॉर्डर एक ऐसा माइलस्टोन फिल्म हुआ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसने पब्लिक को थिएटर में वापस लाना शुरू वापस बुलाना शुरू किया, नहीं तो हम लोग तो बड़ा निराश हो गए थे कि अब क्या होगा इस इंडस्ट्री में, कहाँ जाए, साउथ भाग गया कहाँ जाए, तो हम साउथ चले भी गए थे, हमने 2 फिल्म भी कर डाली, मुझे लगता कि अभी यहाँ कोई चारा नहीं है, लेकिन फिर बॉर्डर से एक उम्मीद की किरण दिखी है, बीच में 2 फिल्में और आई, माँ तुझे सलाम और कोई, तो अच्छा इनिशियल है, मतलब पब्लिक सिनेमा हॉल में अच्छा कंटेंट के लिए अच्छा हमेशा पब्लिक जो है वो आतुर रहती है, और आप उस तरह के गंदे जो अल्फाज होते हैं गंदे गानों से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेगी, मतलब अगर 2 फिल्में और आप नहीं चली तो आप फिर से कन्नड़ में जाके नजर आएंगे, कलिया भी फिल्म कर लिया मैंने बीच में, तमिल भी कर लिया, तेलुगु भी कर लिया, तो क्या करूँगा, लेकिन हमारे लिए इंडस्ट्री भैया माँ बाप के सामने थोड़ा डांट दिया था बीच में माँ बाप ने कि जाओ घर में खाना नहीं है तेरे लिए अभी, लेकिन फिर वापस बुला लिया। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, एक फिल्म ये है बेलगाम परिंदे जैसा नाम है उसे स्क्रिप्ट, मुझे बहुत तभी टाइम तो भोजपुरी सिनेमा में अच्छे रोल्स करते हुए नहीं हुआ है, लेकिन मैं अच्छी स्क्रिप्ट के चक्कर में रहता हूँ, जहाँ भी अच्छी स्क्रिप्ट आए पहले उधर छलांग मार, दोनों भाई जैसे यंग हैं जैसे डायनामिक हैं और जितने
पैशनेट है, इनकी स्क्रिप्ट वैसे ही कमाल है। भाई ने मेरे को कहानी सुनाई, इन्होंने मेरे को बताई, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। क्या है, भोजपुरी सिनेमा में अब हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम कर सकते हो, उतनी अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फिल्में करें, अच्छे रोल्स करें, ताकि हम आप सबको बता सकें कि ये फिल्म क्या है, आप लोग जाकर प्लीज़ देख सकें। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज मैं बहुत थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ कि ये 1:30:29 में मैंने इतने ऑडिशंस दिए हैं, कैमरे के सामने खड़े हो सर आज नॉट फिट तो कहाँ नॉट फिट ऑडिशन में काफ़ी वो हो रहा है, आज इतने सारे कैमरा लगे तो बड़ी खुशी हो रही है। भगवान देता छप्पर फाड़ के देता है, आज देखिए आराम नगर में स्ट्रगलर लोगों के लिए बहुत जी और मान्य रखता तो। और ये बताऊँ, जैसा विंटेज को देख के आप समझ सकते हैं कि कितने टैलेंटेड हो गए, जो इतनी नई सब्जेक्ट लेकर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में, और जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें इस सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में भी हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। ये बहुत टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं हमारे, उनकी डेब्यू फिल्म होगी ये शायद। हाँ, इससे पहले मैं हिंदी में काम करता था तो एक एक्टर के लिए हिंदी भोजपुरी सब एक्टर कोई बटा नहीं है, सब एक्टर सब जहाँ काम मिलेगा वहाँ काम करेंगे। बिल्कुल, हमको भोजपुरी प्यार देती है तो भोजपुरी करते, हिंदी वाले बुलाते हिंदी में करते। अजय हैं, अजय भी ऑलरेडी हिंदी फिल्म करते रहते हैं, अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, कास्टिंग भी पूरी फिल्म की कास्टिंग इन्होंने करके जी, तो ये भी हैं। तो भोजपुरी में देखिए नया, और ये भी आ रहा है कास्टिंग डायरेक्टर हमारे यहाँ हैं हमारी भोजपुरी में। अब जितने बच्चे बेचारे, जितने अच्छे दोस्त हमारे कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आप सबको बोलूँगा ज़रूर कि आप सब भी अपनी तरफ से जो अच्छा हो सकता है लिखें, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं कि फंसा देते हैं अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप सब बोलिए, नए बच्चे मिलकर एक सिनेमा बना रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में, तो हम लोग भी थोड़ी तवज्जो दिए जी। सर ये अभी जैसे अभी जी ने बात की, इंडस्ट्री अभी मुड़ रही है, अच्छी तरफ मुड़ रही है, काफ़ी बीच में दौर भी आया था, तो वी आर फ्रॉम हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कई बार ये चीज़ें सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता, और हम काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो क्यों ना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ें, तो इन चीज़ों को सोच कर, चाहे आप यूपी जाए चाहे बिहार जाए, क्राइम के रेट में सबसे आगे जाता है ये चीज़ें, तो उसी को बेस रख के हमने कंटेंट ऐसा क्रिएट किया कि एक अच्छे लेवल पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये अभिषेक है, इनका कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को डेवलप किया हमने मिलके, काफ़ी वक्त दिया हमने इस स्टोरी पे, एक से डेढ़ साल हमने मुंबई छोड़ दिया था, जिस चीज़ को हमारे बॉलीवुड के लोग भुना ले रहे हैं, अनुराग जी हैं और हिमांशु जी हैं, तो आपने सोचा कि वो कर रहे तो हम अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को हम क्यों ना, ये हमारा कल्चर भी है और हम बिलोंग भी करते हैं वहाँ से, और चीज़ें ऐसी आ रही है तो ये हमारी पहचान नहीं है, जो हम देख रहे हो हमारी पहचान नहीं है कि हम वैसे लोग हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट ही समझिए इन चीज़ों को। प्रोड्यूसर का भी काफ़ी सपोर्ट मिला हमें, प्रोड्यूसर सर ने डायरेक्टली इन चीज़ों को कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग सिनेमा बनाओ। अवधेश जी की एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ इन्जॉयमेंट का जरिया नहीं है, सिनेमा मिरर है, आईना है समाज का हमारा, हम आने वाली पीढ़ियों को वो मैसेज देते हैं, तो इन सब चीज़ों को सोच के हमने एक अच्छी टीम क्रिएट की और आज भारत पे है, सपोर्ट भी मिला, चाहे वो देव जी हो, अजय हो, अवधेश जी हो, संजय पांडे आज हमारे बीच नहीं है बट वो शूटिंग में बिजी हूँ। हाँ, तो अगर वो होते तो संजय जी भी ज़रूर आते। कब शुरू कर रहे हैं फिल्म, कहाँ शुरू होगी और कब तक टारगेट है कि फिल्म हम थिएटर्स में देख पाएंगे? ये फिल्म शुरू हो रही है अक्टूबर से, आजमगढ़ में हम शूट कर रहे हैं, और आप मे बी जनवरी तक आप इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे। आजमगढ़ में शूट करने की कोई खास वजह? खास वजह है मल्टी लोकेशंस, आपको टाइम टेकिंग कम होता है स्क्रिप्ट के हिसाब से, लोकेशंस जो स्क्रिप्ट के हिसाब से, सही बात है। हमें जो लोकेशन हमारी स्क्रिप्ट है हम उसको इंटीरियर यहाँ आगे बॉम्बे में नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली एक बैकग्राउंड वहीं का है, तो इंटीरियर बैकग्राउंड है, हमें पूरा रियल फील चाहिए था उस
कॉन्सेप्ट को लेके कि पूरा रियल पे हम लोग जाके शूट करें और हमें आजमगढ़ में वो पूरी चीज़ें मिल गुजरात में नहीं था ना बॉम्बे में मिल पाता, इसलिए हमें जाना पड़े रियल लुक के लिए आजमगढ़। अच्छा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं देख रहा हूँ विलन हीरो को बोले नहीं दे रहा है। नहीं है। आपकी जो बात है वो मैं एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ, इसलिए इनका डबल वेरिएशन और हाँ इसमें विलन नहीं है। हाँ अभी आपको दो दिखे, ये जस्ट एक रेफरेंस हमने किया है इन चीजों का, आपको अभी तो बहुत सारी चीजें दिखानी बाकी है, इन चीजों को थोड़ा वक्त लगेगा इन चीजों में। हीरो छे है आपको कहानी जस्ट में थोड़ा सा वन लाइनर में आप लोगों को बताना चाहूँ। एक जनरल हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है पॉलिटिक्स, और उसमें यूज़ होने वाले हैं यूथ जो भटक जाते हैं इन चीज़ों में, तो इससे बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं ये। तो कई बार हम अगर मुसीबत में फंसते हैं तो रास्ता ये नहीं है कि हम भ्रष्टाचार को ज्वाइन करें, तो ये एक मैसेज भी है, बहुत बड़ा मैसेज भी है कि अगर पॉलिटिक्स एक अच्छे के लिए बना बट पॉलिटिक्स क्या कर रहा है आज काफ़ी आपका क्रिएट करता जा रहा है गुंडे वगैरह, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है। सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता डिटेल्स, बाकी आपको देखना पड़ेगा। मुझे कोई हीरोइन पोस्टर पे नजर नहीं आ रही है, जय बजरंगबली का नाम लेकर शूट करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हमारी जो हीरोइन है अभी वो कोलकाता में बिजी है, इसके लिए वो आ नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द हमारे बीच में होगी। आपको कहने का मतलब बिना हीरोइन की फिल्म बनेगी नहीं, मैंने ऐसा कहा, इसलिए कहा बोले बोले का नाम लेकर जुड़ के तो फिर आप नाम ही बेलगाम पर लगाम, क्योंकि आप आपका ये मानना है कि हीरोइन लगाम लगा देती है, फिल्म में है जरूरत है, लेकिन हमने अगर हम अगर जाते हीरोइन को ज्यादा अगर हम लेके चलते ना, हम अपने जो प्रोजेक्ट को बनाने जाते वहाँ से उतरने लगते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं, हम हीरोइन बेस्ड नहीं बनाना चाहते पूरी फिल्म को। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली नई भोजपुरी फिल्म के लिए किया गया बेलगाम परिंदे, जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं, पूरी टीम यंग लोगों की टीम है, आप इन्हें विश करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अगर तो सर को? जी बिल्कुल, मोस्ट जीनियस, मतलब अभी के जनरेशन का जीनियस डायरेक्टर, और अच्छा बहुत अच्छा बनाएगा ये फिल्म, और पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छी बनेगी पूरी। सर ये जीनियस बड़ा बहुत यंग एज का एक जीनियस दिख रहा है मुझे, वैसे तो जीनियस होना कोई एज का बंदिश हो नहीं सकती है, फिर भी जरा आप बताएं कि कैसे ये जीनियस है, कुछ एलिब्रेट करना चाहिए सर? मैंने मेरे साथ इसमें काम किया है, मेरे इसी करंट प्रोजेक्ट में काम किए थे, उनको पहले से कई सालों से जानता हूँ कि हर काम में माहिर है, कंपोजिटिंग आता है इसे, एनिमेशन का नॉलेज है, स्क्रीन पर अच्छा करता है, डायरेक्शन अच्छा करता है, पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, अच्छे से बनाएंगे। सर इंडस्ट्री के मेरे पहले गुरु हैं, गुरु जी को सबका प्रणाम। मैं तो सर की फिल्म में काम नहीं कर पाया, लेकिन हमारे एक मित्र हैं गौरी शंकर, आज गौरी हैं फिल्म में उन्होंने काम किया। हमने सर भोजपुरी फिल्मों के बारे में जैसा आपको बताया होगा कि हमें भोजपुरी फिल्म में ट्रेंड बदल रहा है और मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो रही है, दायरा जो कहना था भोजपुरी फिल्मों का बड़ा है, आप कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को, जो आपके घर कुछ कहना है आपको भोजपुरी फिल्मों के बारे में? नहीं अभी बहुत बदलाव तो बहुत आया, पहले एक ज़माने में था जो ओरिजिनल फिल्म का एक दो ओरिजिनल फिल्म हुआ करता था, जैसे दीवानी फिल्म में अलग से आर्ट लेके आता था, साथ में महाराष्ट्र में कुछ फिल्में बनती थी, भोजपुरी का अपना मकाम रखता था, लेकिन इन दिनों भोजपुरी का एक अच्छा खासा मार्केट है, भोजपुरी यूपी बहुत बड़ा सेक्टर है, यूपी के अलावा इसे बिहार में एक्सेप्ट करते हैं, इन दिनों यहाँ पर बॉम्बे में रिलीज होती है अच्छी भोजपुरी, बहुत सारे अच्छे अदाकार हैं काम करते हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट हो तो कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, सिनेमा सिनेमा है, अब आप उसको किस तरह से कन्वे करें आपके ऑडियंस तक पहुंच जाए, कई ऐसी लैंग्वेज की फिल्में, मराठी फिल्म देख लीजिए आप, कई ऐसी फिल्में हैं जो ऑस्कर तक पहुंच गई हैं, भोजपुरी फिल्में कमर्शियल को देखा जाता है ज़्यादातर,
अगर थोड़ा सा आर्टिस्टिक कमर्शियल हो, जिसको हम लोग एक जमाने में पैरेलल सिनेमा बोलते थे, उस तरह का बनाएंगे तो ये नाम से तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का है। हाँ तो मुझे लगता है ये भी अच्छा, बड़ा अच्छा हरकत करेगा मार्केट। अच्छा, अगर कुछ मार्गदर्शन आपके स्टूडेंट को हो बीच में, कुछ आपकी किसी परामर्श की जरूरत हो तो? मैं तो एकदम हर वक्त के लिए तैयार हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मैं आके देख लूँ शूटिंग खड़ा होकर। कुछ सर से पूछा था जब फिल्म करने के लिए, आपने सोचा होगा कि मैं फिल्म करूँगी? सर ने सर को मैंने बताया, इन्फॉर्म किया, ये तो मेरे ये अचानक से कुछ बहुत बड़ा कर देगा, हो सकता है इसी फिल्म से कर दे, कर देगा ये बड़ा कुछ, अचानक से कुछ बड़ा हरकत कर देगा। कर लूँ, पहले मैं हिंदी खत्म कर लूँ, अभी फिलहाल हिंदी में कुछ और चल रहा है। सर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है गुल मकई, काफ़ी टाइम से सर का सर ड्रीम हो जाएगा, आई थिंक कह सकता हूँ। नहीं, मेरे लिए कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच्चाई में जी कोई ड्रीम नहीं होता है, सब सच होता है। हम को कहते हैं सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सब जीते हैं, कोई तो उसे ड्रीम सोचते हैं, हम तो पास्ट में जीते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात अब तक पहुँचने के लिए जो वक्त लग रहा है वो पास्ट हो गया, मेरे बोलने के बाद अब तक पहुँचने तक का कुछ मिली सेकंड का पास्ट हो गया। ड्रीम ड्रीम कुछ नहीं होता मेरे भाई, जब हम काम करते हैं और सच्चाई के साथ जुड़ के करते हैं और लगन के साथ करते हैं, साथ में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सिनेमा हर वो डायरेक्टर अच्छा बना सकता है अगर उस क्रिएटिविटी में किसी का इंटरफेरेंस ना हो। हर आदमी कहना चाहता है कि जब वो जुड़ा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करता है। एक डायरेक्टर एक फिल्म, अगर वो खुद राइटर है तो उस फिल्म को जब वो बनाना चाहता है तो उसकी खुद की वो खुद का सोच है, उसको खुद विजुलाइज किया है, कई चीज़ें उसने स्क्रीन पे में नहीं लिख पाया होगा, तो फिर वो अच्छा कोई जब अंदर आता है फिल्म के अंदर, फिर उसे लगता है कि मैं भी कुछ तो हूँ, मैं तो कुछ तो बोलूँ भाई, मैंने तो क्यों आया हूँ, वो भी फिर बोलने लगता है, तो हर आदमी फिर शुरू कर देता है बोलना, फिर वो बोलते बोलते सबकी फिल्म बन जाती है, फिर कुछ और बन जाता है। तो एक डायरेक्टर को अगर लिबर्टी दिया जाए पूरी तरह से कि वो अपना जो सोच उसने रखा है उसको कन्वे करते हैं ऑडियंस तक, तो वो वीडियो और ऑडियो दोनों मीडियम है मिल के, अगर करने दिया जाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, हर सेक्टर में बन सकती है, किसी भी लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, बजट कोई बैरियर नहीं है। मतलब ईरान की फिल्म में बजट आप देखेंगे इतनी सी बजट होती है, हमारी हिंदी फिल्म का 1/4 भी नहीं है बजट, तो लोग बनाते हैं बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। हम लोग तो इन दिनों फिल्म को प्रोजेक्ट बोलने लगे हैं, भोजपुरी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को लेके भी मुझे बड़ा टेंशन है कि सिनेमा धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, प्रोजेक्ट बोलने लगे हैं, लेकिन हिंदी बड़ी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बंगाली बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। फिल्म और प्रोजेक्ट में अंतर क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट तो बिल्डिंग होगा, प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्शन का कोई काम होगा, प्रोजेक्ट तो मील बनेगा, प्रोजेक्ट तो कपड़ा का फैक्ट्री खुलेगा, सिनेमा सिनेमा है, सिनेमा कैसे प्रोजेक्ट हो सकता है? आपने कहा लैंग्वेज यहाँ पर भी देखूंगा, मैं बोलना चाहूंगा शायद यहाँ पर भी उस तरह का कुछ, बड़ा बोलने का मन कर रहा है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, बॉलीवुड वर्ल्ड से मुझे कोई एतराज नहीं है, इस चैनल से शायद नाराज हो जाए मेरे से इस बात पर। एक जगह था जहाँ पर उन लोगों को डिस्टर्ब होता था, उनको लगता था कि ये लोग कौन है जो रात को लाइट जला के काम करते हैं, रात भर चिल्लाते, एक्शन कट एक्शन कट करते रहते, गाड़ी ब्लास्ट करते थे, इनको हटाओ इस शहर से, बहुत दूर एक किसी कोने में लेकर जगह जमा कर दो। एक पहाड़ के ऊपर एक जगह दिया गया, उसमें काट के उन लोगों ने लैंडस्केप बनाया, ऊंट से भरा हुआ जगह था, उसका नाम बॉलीवुड दिया गया। हम बॉम्बे में हम लोग अपना फिल्म बनाने लगे, बंगाल में अपने फिल्म बनाने लगे, पता नहीं हमको क्या हो गया, अचानक से हम बॉलीवुड बोलने लगे। आज से 15-20 साल पहले भी मैं इस नाम से बहुत दूर था, मेरे काम तक नहीं आते थे ये नाम, मतलब हमें ऐसा लगने लगा कि हम शायद हमारा सिनेमा हिंदी सिनेमा को अगर आप बोले या फिर भोजपुरी हो या फिर किसी भी लैंग्वेज का, हम लोग सॉन्ग भी रखते हैं यहाँ पर जो पूरी दुनिया में कोई लैंग्वेज में नहीं, बड़ा अद्भुत है कि हम गाने के थ्रू हम अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कभी बैकग्राउंड सॉन्ग में हो, कभी हीरोइन अपना नाच गाना करके, कहीं हीरो अपना एक्सप्रेस करता है अपने इमोशन को, और हम अपने तरीके से अपना सिनेमा बनाते हैं। और हमारा कॉम्पिटिशन बड़ा इसलिए होता है कि हम उस लैंग्वेज से नहीं है तो हमारे लिए, मतलब उनके लिए हम फॉर लैंग्वेज हैं, तो हमारा कंपटीशन इतना बड़ा होता है वहाँ पर, जब हम कंपटीशन में जाते हैं उनकी दुनिया में तो हम फॉर लैंग्वेज के काउंट में आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंच भी होता है, कोरियन भी होता है, जापानीज भी होता है, डच होता है, स्पेनिश होता है, हजारों फिल्में होती हैं और वो अपना सिंगल एक लैंग्वेज पर खड़े हैं जो उनका मेन स्ट्रीम है इंग्लिश।
तो कंपटीशन भी हमारा बढ़ता है, और ऐसे कई कंट्री हैं जो फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म पैसे के लिए नहीं बनाते, मुझे नहीं लगता पैसे के लिए बनाते। जैसे ईरान का कोई डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि फिल्म प्रोड्यूसर वो ब्लैक बोर्ड लेके पूरी फिल्म में वो घूम रहे हैं, गाँव गाँव में जाके ब्लैक बोर्ड लगा के बच्चों को सिखा रहे हैं, वो सिनेमा पैसे के लिए तो मुझे नहीं लगता बनाते उस तरह की कोई फिल्म जब बनाते हैं। तो उनका कॉम्पिटिशन मतलब हम जिस लेवल पर जाके लड़ते हैं वहाँ पर हमारी लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, और अपनी लड़ाई लड़ने के बाद में भी हम उनको कॉपी करते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे अभी यहाँ पर कोई एक अंग्रेज होगा जो अचानक से हिंदी में बात करने लगे, हम लोग बोले वाह ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, वाह ये तो अंग्रेजी बोल रहे। जब हम जाके कुछ भी लैंग्वेज में वहाँ पर जाके बात कर लें, वो लोग वाह नहीं करते कोई इंडियन आके अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो लोग बिल्कुल वाह नहीं करते कि वाह अमजद खान इंग्लिश बोल रहे हैं, हम बोलते हैं जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। खैर बकवास की बातें की मैंने, मुझे नहीं लगता है हम किसी से इंस्पायर्ड हैं, हम अपनी अपनी एक दुनिया बना के रखते हैं, हम अपनी एक सिनेमा बनाते हैं, हम अपना एक सोच हम अपना एक इमोशन को सामने रखते हैं। वो लोग आके वहाँ से गटर और झोपड़पट्टी सलाम बॉम्बे करके फिल्म आई थी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म, उन दिनों पता नहीं उसे क्यों रिकमेंड नहीं किया गया, बाद में कोई मेकर आता है और बॉम्बे की गली और कचरा दिखाता है और फिर वो चीज के साथ सब कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम सच पहले देखा है तो प्रॉपर इन्होंने ट्रेनर रखा, एक एक चीज गाइडेड हुई है, अनगाइडेड कुछ नहीं होता, सुन के लगेगा कि हाँ वहीं के लोग बोल रहे हैं। इवन मलाला यूसुफ़ज़ई जो बोल रही है, कहाँ बोल रही है, पश्तो और हिंदी उर्दू मिक्स है। एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी एक बायोपिक है, वो अगर वो मूव होता कोई और मेरा फिक्शन होता, मनगढ़ कुछ कहानी होती है, सब गैजेट है उस फिल्म में, परवेज मुशर्रफ है, उनका जो कोटेशन है जो न्यूज़ के सामने बोले थे वही बोला है फिल्म में भी। आसिफ अली जरदारी ने अगर कुछ कोट किया था तो वही हमने रखा है फिल्म के अंदर, मलाला के पापा ने जो कहा था वही रखा है, वहाँ पर कुछ फिक्शन नहीं है। तो वो नेचुरलिस्टिक है, जैसे बैतुल महसूद करके कैरेक्टर है जो पंकज त्रिपाठी ने किरदार किया, वो पूरी फिल्म में उसका लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, जिसके नीचे मुझे इंग्लिश में सबटाइटल करना पड़ेगा, पश्तो समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, तो जिसका जो लैंग्वेज है उसको उसी में रखा है ताकि ऑथेंटिक लगे, ये लगे कि हाँ भाई ये पाकिस्तान की घटना है। जैसे सर की फिल्म में अल्ट्रा रियल फिल्म होती है, जिस जगह है उसी जगह प्लेस है, नहीं मेरे कुछ होती नहीं है, मतलब हो रहा है, कुछ नहीं किया मैंने पहले कि होती नहीं है, बहुत सारी फिल्में बना लूंगा तो ये अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो प्रूफ करना बाकी है, तो बनाया है ये परोसना होगा, परोसने के बाद पता चलेगा। मैं तो अपने घर में बना के खूब अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, तो आप लोग खाने के बाद उसका जायका बताएंगे कैसा। यकीन है जैसे पाकिस्तान हमारे देश में सबसे ज्यादा सब चर्चा का मुद्दा होता है, छोटी बड़ी चीज पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है हर दिन, चाहे सिद्धू साहब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भी मुद्दा होता है, ठीक है किसी बात को लेकर वो कुछ कमेंट करते हैं तो मुद्दा होता है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान हमारे देश में हर मिनट इन्वॉल्व होता है। मेरे घर पे, मेरे पड़ोसी के घर पे, मैं जब बचपन में था मेरे चाचा के घर के साथ हमारा घर का मुद्दा रोज होता था, मेरी मम्मी रोज मेरे पापा को बोलती थी भाभी ने कुछ बोला, उधर मम्मी की जो भाभी जानती है मतलब पापा के जो बड़े भाई साहब थे उनके घर वाले बोलते थे इनके घर से कुछ एक बोला, रोज लड़ाई होती थी जी। कभी वो उनका थोड़ा सा वो दो लकड़े को आगे गाड़ देते थे, बोलते थे हमारा जमीन तो यहाँ से एक फीट आगे तक का था, कभी पता चलता था हमने कर दिया। तो ये तुम पड़ोसी हैं, पड़ोसी देखिए हम हर रिश्ते को बना सकते हैं दुनिया में, जैसे दोस्त हम बना सकते हैं, बीवी हम बना सकते हैं, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, कुछ बन के आते हैं, पड़ोसी को नहीं चेंज कर सकते आप बिल्कुल पड़ोसी चेंज नहीं होगा, पड़ोसी बन क्या है ऊपर से, क्योंकि वो जमीन में बैठा हुआ है उस जगह पर, कहाँ पाकिस्तान को हटाएंगे फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा आगे, तो पड़ोसी के साथ तो लगा रहेगा किकपिट चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी दीवार में से हाथ बढ़ा के आज भी जर्मनी और रशिया के बीच का जो दीवार है जो रातों रात बनी थी उस दीवार से आज भी लोग सब्जी इधर का उधर भेजते हैं, तो यहाँ भी ऐसा होता है हमारे यहाँ कई बार होता है, हम करते हैं ऐसा, हम बस यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, वहाँ से बस यहाँ आ जाती है, अचानक से फिर हम रुक जाते हैं, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, हम लड़ने के लिए है क्या, मतलब हमारे इस सोसाइटी में जो हमारे इस कंट्री को चलाने वाले जो पॉलिटिशियन हैं वो लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए कहने के लिए, तो कहेंगे क्या, वो भी बैठ के कुछ कहें वहाँ पर, क्योंकि वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने कंट्री को,
उनके पास भी कुछ मुद्दा चाहिए कहने के लिए, तो वो चाइना के अगेंस्ट में कितना कहेंगे, अचानक से मार देगा, फोड़ देगा, कुछ कर देगा, भाई बहुत पावरफुल है, तो उनको बोलने के लिए चाइना नहीं है, वो चाइना से ले लेते हैं आर्म्स और वो सब जितने भी सब होगा वो बनाता है, चाइना बनाता है बेचता है आर्म्स, रोज बना के बेचता है। हमारे पास भी कोई कौन है, हम किसको बोलेंगे, बोलिए अफगानिस्तान को क्या बोलेंगे हम बैठ, बहुत दूर है हमसे, बर्मा को क्या बोलेंगे, गरीब ऐसे ही, बांग्लादेश का हालत ऐसे ही खराब है, हमसे ही पानी, हमसे ही वो सब उनका चलता रहता है, लोन पे चल रहे हैं वो लोग, अब हमारे पास कहने को सिर्फ पाकिस्तान, हम कह देंगे बैठ बैठ के। लेकिन सर दीवार में हार्ट बॉम्ब भेजना ही अलग चीज है, दोनों चीजें कॉमन नहीं है। पर्सपेक्टिव है, जब आप इस कंट्री में बैठ के आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पर्सपेक्टिव आपका है, ये आपको सुना है जो जा रहा है आप सुन रहे हैं, जब उस कंट्री में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ पर कई लोग हैं मेरे दोस्त, कई लोगों से मेरा गुलमर्गी के दौरान पहचान हुआ है, जब उनको मैं पूछता हूँ कि यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मतलब मस्ती में भी मैंने पूछ लिया कि क्या करता रहता है तुम लोग यार, यहाँ पर बम भेज देते हो तुम, बम ब्लास्ट करा देते हो हिंदुस्तान में, बोले हमारे यहाँ पर तो 80% आप कराते हो, आपका रॉ कराते हैं, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि हम कहाँ पर खड़े रहे कि उस चीज़ को, नदी के इस किनारे, रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन था, नदी के इस किनारे जब हम खड़े होकर देखते हैं तो लगता है वो किनारा बड़ा सुंदर है, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं उस किनारे में, इस किनारे को छोड़ के मालूम पड़ता है यार यहाँ भी तो उतना ही कचरा है, दूर से कचरा दिखता नहीं है, दूर से कचरा दिखता नहीं है, तो कई बार देखिए ये सियासत की लड़ाई है, ये चलती रहेगी, मतलब सियाचिन में आपको पता होगा क्या असर है, क्या मंजर है, वहाँ पर कितना -20 डिग्री नहीं होता वहाँ पर, 52 डिग्री, स्किन फट जाएगा अगर एक मिनट के लिए बॉडी से, तो वो उस तरह से ये सियासत है, ये सब कुछ नहीं है, आज से 400 साल पहले 500 साल पहले कोई बॉर्डर नहीं था, कोई कानून नहीं था, तब लॉ जो था, या फिर 1000 साल पहले लॉ धर्म था, मजहब था, अभी लॉ कुछ अलग बना है, मजहब को साथ में लेके चल रहे थे, मजहब के बिना फिर लॉ भी खत्म हो जाएगा यहाँ का, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ों को, कोई बैरियर नहीं होता सिनेमा के लिए खास करके, मैं कोई और बात पे चला जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा घूम के रिटर्न आ रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इनकी फिल्म में कुछ हम और बात कर रहे हैं, देखिए सिनेमा बना रहे हैं हम लोग और सिनेमा के थ्रू कई चीज़ें हम दिखा देंगे, हो सकता है बेलगाम में कुछ दिखा दे, कुछ और बात हो जाए वहाँ पर, वो चाहे लव स्टोरी हो या फिर वो कोई थ्रिलर हो, पॉलिटिकल थ्रिलर आई थिंक है, तो मैंने सिर्फ नाम से ही मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिकल थ्रिलर है, तो पॉलिटिक्स तो हमारे डर में गुस्सा हो मैंने कहा है की फाइनेंशियल सिटी है जहाँ से फाइनेंस हम बैलेंस करते हैं हिंदुस्तान का, जहाँ पर एंटरटेनमेंट में कम से कम 5000 करोड़ तो कमाई देता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर में 5000 करोड़ का कम से कम इनकम है हर साल, यहाँ पर आपने देखा होगा अभी बारिश में ना कोई बच्चे को आपको रास्ते में सड़क पर पड़ते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो शेड भी नहीं है इनके पास, ठीक जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगा फिर से वो बैठेंगे दिखेंगे रास्ते में, शतरंज बिछा के बैठी हैं, कोई लड़की इनकी जैसी कोई लड़की मेरी कोई बहन कोई माँ आके उसको थोड़ा सा नाश्ता वास्ता लेके जाते हैं, वो बच्चे इस मॉड्यूल में यहाँ पर पढ़ते हैं जहाँ पर सालाना 10 लाख रुपये खर्च है इसी शहर में, और इसी शहर में आप साथ ही साथ देखते हो कि कोई बच्चा सड़क पर पढ़ रहा है और उसे कोई पढ़ा रहा है आके बैठ के, कोई लड़की पढ़ा रही है उसको, 3 ट्रिलियन का खर्च आपको पता है सरकार की तरफ से 2009 के अमेंडमेंट में 3 ट्रिलियन का खर्च कहा गया था कि एजुकेशन में खर्च होगा, अभी आप मेरे साथ चलो किसी म्यूनिसिपल स्कूल में कल, और वहाँ पर जाके आप यूरिनल जाके देखो, सिर्फ विद इन ए मिनट आपको इन्फेक्शन हो सकता है, विद इन ए मिनट आपको इन्फेक्शन होगा, लाइब्रेरी की किताब मैंने तो नहीं देखा बचा इन लोगों ने बदला होगा 5 साल में, पता नहीं पैसा कहाँ खर्च होता है, सिलेबस एक ही होता है, यूनिवर्सिटी एक ही होता है, स्कूल और मॉड्यूल दोनों अलग होता है एजुकेशन का, अद्भुत है और इस शहर में होता है, अभी यहीं पर आते आते देखिए ना आपके यहाँ पर से आते थे मेरे कार का अलाइनमेंट हिल गया होगा, क्योंकि इतना मैं उछल रहा था आते आते अभी कि मुझे लगा कुछ अलग झूला उला में चल रहा हूँ मैं साथ में, मुझे अद्भुत लगता है कि इस जगह को कभी नहीं बनाया गया, मैं 12 साल से देख रहा हूँ इसका ये कंडीशन इस मैदान का, एक ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा वो होता था पूजा वूजा होता था यहाँ पर डांडिया होता था, वो सब अभी इन दिनों नहीं हो रहे, सब घुस घुस के धीरे धीरे और क्लोज होते जा रहे हैं, थोड़े दिन में बंद हो जाएगा बिल्कुल, छोटा सा हो जाएगा बीच का जो मैदान है, यहाँ पर कुछ नहीं, ये मैदान क्यों है मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ये मैदान क्यों है, किसका है, क्या है, ये खूबसूरत सा गार्डन बन सकता है। ग्रेट सर, बॉलीवुड में कास्टिंग करता हूँ और साउथ की काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, और अभिषेक एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर आ रहा है भोजपुरी में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
उसको लेकर हम काफ़ी उत्साहित है कि हम इस चीज़ को अच्छे से करें और इसको अच्छे से प्रेजेंट करें, इसलिए हमने अच्छे अच्छे चेहरे कास्ट किए, जैसे हमारे जैसे एक्टिंग कर रहे हैं ये हमारे साथ में जुड़े हैं, काफ़ी फिल्में कर चुके हैं भोजपुरी में, तो ये हमारे साथ एक अच्छा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इनसे भी जान सकते हैं फिल्म के बारे में, इनको क्या चीज़ें हैं कैसे करना है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग, सबको पहले नमस्कार, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे गुल मकई, अमजद जी के डायरेक्शन और विद्यान जी मुझे वहीं मिले, तो अच्छी फिल्म मिली और काफ़ी चीज़ें चर्चा होती थी हम लोग की फिल्मों के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर इनका एक बार जैसे इन्होंने अपना फिल्म स्टार्ट किया तो उसके बारे में डिस्कस किया, फिर अभिषेक जी ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, मतलब स्टोरी इतनी पसंद आई कि मैंने तुरंत होके बोल दिया कि जो भी है आप फटाफट स्टार्ट करो और इस कास्ट के लिए मतलब मैं पैसे नहीं लूँगा बोले नहीं मुझे बहुत पसंद आया, मैं अभिषेक जी बताएंगे एकदम यही वर्ड बोला था फटाफट इसको करो, मेरी तरफ से बिल्कुल होगा। एक्चुअली ये स्टोरी जिसको भी हमने सुनाई ना, सबने ये नहीं बोला, लेकिन किसी ने मना नहीं किया काम करने से, नहीं तो किसने बोला कि ये सब स्टोरी सुनने के बाद भी मैं पैसे लूंगा वो जरा बता दूंगा उंगली दिखा रहा है मेरी तरफ ये उंगली नहीं ऐसा कुछ नहीं पैसे मांगे आपने? अरे तो ये हमारी रोजी रोटी भाई साहब, यहाँ से पैसे नहीं उठाएंगे तो अच्छी स्टोरी से आप अच्छी देखो नहीं अच्छी से आकर्षित नहीं करती अच्छी स्टोरी, आपको अच्छे न्यूज आकर्षित करते हैं ना, आपको अच्छे न्यूज 50 दे दो पैसे एक ना दे करोगे आप काम नहीं नहीं आप बताओ आप मेरे पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देखो, आदमी को चूजी होना चाहिए अपने काम के लिए, आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद आता है जो उसे दिल को छूता है, लेकिन एक बड़ी सच्ची चीज है, एक बड़ी सच्ची चीज है कि ऑलवेज चार्ज फॉर समथिंग जिसमें आप अच्छे हो, मतलब डोंट डू इट फॉर फ्री। बेसिकली मैं कास्टिंग किया इनकी, जब मैंने स्टोरी नरेशन करी सब कुछ करा, तो बेसिकली अभी निमकी मुखिया में जो टुन्ने का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर शो चल रहा है स्टार भारत में ना, सो उसके बाद हमने इनसे डेट्स वगैरह की बात की, तो ये बोला ये मैनेजेबल है बिकॉज जो स्टोरी है मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, एग्जैक्टली हमारे बिहार हमारे भोजपुर से जुड़ी हुई है, तो हम जरूर करना चाहेंगे, सो ये अपने डेट्स को मैनेज कर कर हमारे साथ कर रहे हैं, तो जो इनका जो भी लगता है एक हम उस हिसाब से अपना चार्ज करके इनको साथ जोड़ सकते हैं अपने साथ, सब बातें चल रही है एक वही चीज सच्ची बात है ना कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, आप अगर किसी चीज में अच्छे हो तो उसको फ्री में मत करो क्योंकि लोगों को फिर उसकी आदत हो जाती है, लोग बोल रहे तो मामा वाली फिल्म नहीं की ये वाली मेरे मामा की फिल्म में भी आप थे उधर, चलो आइए मामा की अगली फिल्म में करेंगे यार कुछ अच्छा करेंगे, यहाँ पे मुझे स्टोरी बहुत अच्छी आई, मेरे भाई ने स्टोरी लिखा, जानता हूँ मैं अभिषेक को अच्छे से, साजिद को बहुत पहले से जानता हूँ मैं, साजिद मेरा दोस्त है, सो अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, दिस इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड जॉनरा, बॉलीवुड से सॉरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें चलती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे पसंद है, अब लेट्स सी कहाँ तक आगे चीज़ें जाती है, कहाँ तक आदमी काम बहुत आगे जाएगी क्योंकि सब लोग एकदम टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और यंग टीम है और 100% उसको आपके मन में क्वेश्चन को बुला रहा है पूछिए, थैंक यू डन, ठीक है थैंक्स बड़ी, थैंक यू।